A very warm good morning, everyone. How are you? I am your EVS teacher, Ruchi Gupta. Yes, beta. हम lesson 3 तक अपना complete कर चुके हैं. आज हम read करेंगे lesson 4. Playing is fun. What's the name of lesson 4? Playing is fun. Playing game is important. खेलना बहुत ही जरूरी होता है. It is a good exercise for the body and mind. ये बहुत ही अच्छी exercise होती है हमारे body के लिए और हमारे mind के लिए. It keeps us fresh and active. ये हमें fresh, तरोताजा और active बनाए रखती है. हमेशा हम active रहते हैं हर काम को करने के लिए. It gives us energy to complete our work. ये हमें energy देती है अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए. अच्छा, एक चीज देखो, एक बच्चा बहुत खेलता है, कूदता है, तो वो आप देखना, वो एनर्जेटिक रहता है, हमेशा किसी भी काम को करने के लिए रेडी रहता है. भागना दौड़ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती. और एक बच्चा बैठा रहता है सारा दिन, और आप उसको किसी काम के लिए कहो तो बहुत लेजी की तरह उठेगा. कभी उसके हैंड में पेन, कभी लेग में पेन, मतलब ये सब कुछ होता रहेगा. बिकॉज वो एक्सरसाइज नहीं हो पाती उसकी बॉडी से एक्सरसाइज नहीं होती. वो कोई गेम ही नहीं खेलता है. और गेम प्ले करना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है. लाइक सानिया, मोस्ट चिल्ड्रन लुक फॉरवर्ड टू गो आउट टू प्ले इन इवनिंग. बहुत से बच्चों को देखा होगा कि शाम को वो इवनिंग में खेलने जाते हैं. इट इज इम्पॉर्टेंट टू गो इन ओपन प्लेसेस लाइक प्ले पार्क और प्लेग्राउंड्स. ये बहुत जरूरी है कि हम बाहर खेलें, चाहे हम पार्क में खेलें या प्लेग्राउंड में खेलें, क्योंकि बाहर की हवा भी बहुत जरूरी होती है. खाली इंडोर गेम नहीं खेलने चाहिए, आप आउटडोर गेम खेलिए. बट इन दिनों कोरोना कोरोना कोरोना, इसलिए घर में ही रहना और इंडोर गेम खेलना. बट भागने दौड़ने वाले भी गेम खेलने चाहिए हमें. प्लेइंग गेम्स इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन. जो हम गेम खेलते हैं वो किस चीज के लिए अच्छे रहते हैं? एंटरटेनमेंट. MENT. आप इसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के लर्न करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इस स्पेलिंग को. एंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन. एंड इनक्रिएशन, व्हाट इज द मीन ऑफ इनक्रिएशन? इनक्रिएशन मीन्स मजे के लिए जो काम मजे के लिए किया जाए. वो काम नहीं होता, मजे के लिए करते हैं. तो री आर ई री, क्री सी आर ई क्री, शन टी आई ओ एन शन. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आर द थिंग डैट वी डू व्हेन वी आर नॉट वर्किंग. जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते तब ये एक्टिविटी की जाती है. ऐसा ही होता है ना, हम कब खेल रहे होते हैं? जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते तो हम फुली एंजॉय, फुली मस्ती में आ जाते हैं. और भागना घूमना, मतलब उस टाइम हम सारी टेंशन भूल जाते हैं अपनी और फुल एंजॉय में आ जाते हैं. दे हेल्प अस टू रिलैक्स. और जब हम खेलते हैं तो क्या होता है, हमारा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है. इसीलिए कहते हैं कि सारा टाइम, मैं नहीं कहती कि सारा टाइम आप पढ़िए, इट्स नॉट अ गुड, ये अच्छा नहीं है. हमें पढ़ना चाहिए ध्यान से, बट खेलना भी बहुत कंपल्सरी होता है बेटा, बहुत कंपल्सरी है खेलना भी. खेलने से हमारा माइंड फ्रेश होता है और हम एक्टिव बनते हैं, तो इसलिए खेलना भी बहुत जरूरी है. टाइम स्पेंड ऑन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इज कॉल्ड लीजर टाइम. व्हाट इज द लेजर? व्हाट इज द मीन ऑफ लेजर? लेजर मीन्स फ्री टाइम. लेजर मीन्स फ्री टाइम. तो टाइम स्पेंड ऑन रिक्रिएशनल, मजे के लिए जो टाइम स्पेंड किया जाता है वो कब? फ्री टाइम. वो क्या कहलाता है? फ्री टाइम मींस लेजर टाइम. आउटडोर गेम, अब ये आउटडोर गेम एंड इंडोर गेम ये तो सब जानते हैं. आउट आउट मींस बाहर, इन इन मींस अंदर. ये देखिए, ये घर है, घर के अगर अंदर है तो इन, आउट है तो बाहर. तो आउटडोर मींस बाहर वाले गेम और इंडोर मीन्स अंदर वाले गेम. क्लियर? अब इंडोर, इंडोर गेम कौन कौन से होते हैं सब जानते हैं, जानते हो? कैरम, चेस, लूडो, प्ले कार्ड्स, बहुत सारे गेम होते हैं जो हम अपनी मम्मा, फादर,
मदर और अपनी सिस्टर ब्रदर इन सबके साथ में हम खेलते हैं। और आउटडोर गेम क्या होते हैं? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, ये सब क्या है हमारे आउटडोर गेम। साइकिलिंग करते हैं, ये भी आपका आउटडोर गेम है। गेम्स लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, स्पेल ऑफ बैडमिंटन BAD, बैट मिन MIN, मिन टन TON, टन बैडमिंटन। गेम्स लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड साइकिलिंग आर प्लेड ऑन द ग्राउंड। ये कहाँ खेले जाते हैं? ग्राउंड में, घर के अंदर तो नहीं। पता लगा, एक एक किक मारी और इधर शीशा टूटा और फिर मम्मा से पिट्टी, है ना? तो ये गेम कहाँ खेले जाते हैं? बाहर, इट मींस आउटडोर गेम। क्लियर? सच गेम्स आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। और इस तरह के गेम्स क्या कहलाते हैं? आउटडोर गेम्स। सम अदर आउटडोर गेम्स आर खो खो, बहुत खेलती थी मैम, भी बहुत खेलती थी, मजा आता था। बैडमिंटन भी बहुत खेलती थी मैम, क्रिकेट भी बहुत खेलती थी, और साइकिलिंग, साइकिलिंग तो बहुत करती थी। और पता है, साइकिलिंग करते करते मैम गिर जाती थी, तो मैम बताती नहीं थी अपनी मम्मी पापा को, क्यों? क्योंकि फिर डांट पड़ती थी इसलिए। लेकिन नहीं, बता देना चाहिए, है ना? हाइड एंड सीक, जिन्हें हम आंख में चोर, एक आंख में चोली, कबड्डी, सेवन टाइज, जिसे हम पिट्ठू बोलते हैं, पिट्ठू खेलते हैं हम लोग सक्रांत पर, एंड हॉप स्टॉक। चिल्ड्रन आर ऑल्सो लाइक साइकिलिंग, स्केटिंग एंड स्कीपिंग। साइकिलिंग करते हैं, आप साइकिल चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? साइकिलिंग। स्केटिंग, हम पैरों में स्केट्स पहन के स्केटिंग करते हैं। एंड स्कीपिंग, रस्सी कूदना, स्कीपिंग रस्सी कूदना। दीज आर ऑल्सो अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन। ये बहुत अच्छी है, ये भी एक्सरसाइज की बहुत अच्छी फॉर्म है। अब है इंडोर गेम। व्हाट इज इंडोर गेम? सम गेम्स लाइक चेस, लूडो एंड कैरम आर प्लेड इनसाइड। सच गेम्स आर कॉल्ड इंडोर गेम। मैम बता चुके हैं कि जो गेम घर के अंदर खेले जाते हैं, जैसे लूडो, चेस, कैरम और ये प्ले कार्ड्स, ये सब क्या है? इंडोर गेम्स हैं। नाउडेज वीडियो गेम, और इन दिनों आप लोगों के लिए तो फेवरेट वीडियो गेम, इलेक्ट्रॉनिक कार चाहिए, एंड प्ले स्टेशन आर ऑल्सो पॉपुलर इंडोर गेम अमॉन्ग चिल्ड्रन इन मैनी हाउसेज। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन प्ले इंडोर गेम्स टुगेदर, दिस ब्रिंग देम क्लोजर टू ईच अदर। बहुत सारे घरों में मम्मी पापा, दादाजी दादी जी, ये सब साथ में बैठ के इंडोर गेम खेलते हैं। और इसका एक बेनिफिट और बताती हूँ, जब हम सब जने साथ में बैठ के खेलते हैं तो ये हमें एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं, पास लेके आते हैं, हम एक दूसरे के क्लोज होने लगते हैं। क्लियर हुआ? आज हम चैप्टर यहीं तक रीड करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा चैप्टर है बेटा, आज हम यहाँ तक रीड करते हैं और इसके हार्ड वर्क्स करेंगे। तो आप सबको पता ही है कि मैम कैसे वर्क करवाते हैं। सबसे पहले हम डेट मेंशन, देन क्लास वर्क, फिर लेसन 4, देन यू राइट प्लेइंग इज फन, फिर क्या राइट करेंगे? हार्ड वर्ड्स। अब मैम अंडरलाइन कर रहे हैं, इन हार्ड वर्ड्स को आपको करना है। एंटरटेनमेंट, यहाँ मैम रखते हैं, यहाँ देखिए, एंटरटेनमेंट। रिक्रिएशनल, नंबर थर्ड एक्टिविटीज, नंबर फोर्थ लेजर, नंबर फिफ्थ बास्केटबॉल, नंबर सेवेंथ बैडमिंटन, नंबर एट्थ क्रिकेट, एंड नंबर नाइन्थ, यू सी हियर, नंबर नाइन्थ इज कबड्डी, नंबर टेंथ साइकिलिंग, इलेवेंथ स्केटिंग, ट्वेल्थ स्कीपिंग, थर्टींथ एक्सरसाइज, फोर्टींथ चेस, एंड फिफ्टींथ आर, व्हाट्स आई गिव यू,
15th कैरम, स्पेल ऑफ कैरम. ओके थैंक्स बेटा.